हमने सीक्वेंस वाला चैप्टर शुरू किया था, हम सीक्वेंस की डेफिनेशन कर चुके थे, सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं, सीक्वेंस की टाइप्स डिस्क्राइब कर चुके थे, मेथड टू डिस्क्राइब अ सीक्वेंस। अब हम करेंगे रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, कि सीक्वेंस की रेंज क्या होती है। जब हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन की थी तो मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस एक फंक्शन ही है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर का सेट होता है। नेचुरल नंबर हमारा कहाँ तक जाता है, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, यानी और फंक्शन, ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन मुझे क्या कहती है कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर डोमेन के किसी एलिमेंट के लिए इमेज नहीं मिलेगी तो फिर वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। यानी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर के लिए मुझे रियल नंबर से कोई वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो हमारी सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, हम इसे ऐसे लिखते हैं a1 a2 a3 अप टू डैश डैश डैश, ठीक है, या फिर an। किसी सीक्वेंस में कितनी टर्म्स होती हैं, इनफाइनाइट। किसी भी सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं हमेशा। वो इनफाइनाइट टर्म्स क्या होंगी, मान लीजिए मैंने an सीक्वेंस लिखी, n ही लिख ली, ठीक है। तो मेरा a1 होगा 1, a2 होगा 2, a3 होगा 3, a4 होगा 4 अप टू सोन। इस सीक्वेंस की हर टर्म डिस्टिंक्ट हैं, इस सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स हैं और वो सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट हैं। लेकिन अगर मैं an को ये ले लूँ कि -1 raised to power n, ठीक है, तो a1 क्या होगा मेरा -1, a2 क्या होगा 1, a3 क्या होगा -1, a4 क्या होगा 1, a5 क्या होगा -1, a6 क्या होगा 1, ठीक है। तो ये टर्म, ये सीक्वेंस भी इनफाइनाइट टर्म्स कंटेन करेगी, इस सीक्वेंस के पास भी इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, लेकिन वो सारी टर्म्स या तो -1 होंगी या 1 होंगी, ठीक है। तो हमारा रेंज सेट क्या होता है, रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस की डिस्टिंक्ट टर्म्स का सेट, किसी भी सीक्वेंस की डिस्टिंक्ट टर्म्स का सेट। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस सीक्वेंस की बात करूँ, तो इसका रेंज सेट को अगर मैं एस से डिनोट करूँ तो रेंज सेट क्या होगा, 1, 2, 3 अप टू सोन। सेट है, सेट को हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इस सीक्वेंस का अगर मैं रेंज सेट लिखना चाहूँ एस, तो क्या होगा, -1, 1, ठीक है। यानी रेंज सेट क्या है, किसी सीक्वेंस की डिस्टिंक्ट टर्म्स की कलेक्शन, ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें सीक्वेंस की डिस्टिंक्ट टर्म्स को रखा जाता है। द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। सिंबॉलिकली द सेट ए एन एन बिलोंग्स टू एन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द सीक्वेंस ए एन -1 raised to power n, द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस इज -1 or 1। हेयर द सीक्वेंस इज डिस्क्राइब्ड एज ए एन इज इक्वल टू -1, 1। द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस अकरिंग एट डिफरेंट पोजिशन आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट टर्म्स, ठीक है ना। जो डिफरेंट पोजिशन पर नंबर आ रहे हैं उन्हें हम डिस्टिंक्ट टर्म्स बोलते हैं, इवन इफ दे हैव द सेम वैल्यू। अगर उनकी सेम वैल्यू भी है तो भी हम उन्हें डिस्टिंक्ट टर्म बोलेंगे। जैसे ये हमारी पहली टर्म है, ये हमारी दूसरी टर्म है, ये हमारी तीसरी टर्म है, ये हमारी फोर्थ टर्म है, जिस सीक्वेंस में जिस पोजिशन पर वो आते हैं, डैट इज टर्म, ठीक है। दस द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर इनफाइनाइट। किसी भी सीक्वेंस में टर्म्स कितनी होती है, हमेशा इनफाइनाइट। लेकिन जो रेंज सेट है वो फाइनाइट हो सकता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 1 एंड -1।